ऑनियंस हमारे कबाब हो चुके हैं और अभी हम बिना देर किए निकालते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि इनका लुक और बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ये मज़ीद कुछ हो ही नहीं। और देखें मेरे कबाब टूट भी नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे से बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपके दुआ से मैं भी बिल्कुल अच्छी भली और ठीक ठाक हूँ। कल रात तो नींद पूरी नहीं थी हुई, लेकिन दोपहर को हो गई और मेरे साथ बैठी हुई है जैस्मिन। हाय जैस्मिन, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बना रहे हैं कबाब रेसिपी, जो कि हम दोनों मिलकर बना रहे हैं, मैं और जैस्मिन। और मैंने सोचा कि हम आपसे कर लेते हैं शेयर, जो खाने के लिए हम लोग अभी बनाने वाले थे खाने में, तो कबाब रेसिपी हम लोग बना रहे हैं तो आपके साथ करते हैं शेयर। बस जैसे हमने आपको बताया था, हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कबाब। तो ये देखिए, मैंने आलू जो है ना बॉईल करके रख लिए हैं, इस पतीली से मैंने बॉईल किए हैं, और इसी में मैं रख लूँगी अपने चिकन, जिसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और 1 पाव हमारी चिकन है। और चिकन का खाली हमने फ्लेवर ही देना है आलू में। ये देखें, 2 गिलास या 2.5 कर लूँगी ताकि अच्छे से चिकन जो है ना गल जाए। ये देखें, मैंने 2.5 गिलास डाले हैं और इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। और मैंने पानी इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हम चिकन का इसी के अंदर वो करेंगे, पानी इसी में रहने देंगे फ्लेवर को। ये पानी हम सुखाएंगे इसका। तो अभी ये होती है, देखें अभी हमने इसको रखा है 10-15 मिनट तक, हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए, तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जब तक हमारा चिकन हो रहा है 15-20 मिनट में, तब तक आलू जो हमने उबाइल किए हैं उनको हम छील के रखेंगे। चिकन को उबाइल आने लग गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वो चीज़ें जो कि हम इसके अंदर डालने वाले हैं। और हम जो है ना 3 से 4 अदद हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, जो कि मोटी हैं और बड़ी अच्छी होती हैं फ्लेवर में। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून अदरक लहसुन, जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। हस्बे जायका हम इसमें डालेंगे नमक। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया, नहीं पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया। और ये सब चीजें इसमें मैड होंगी और अच्छे से पकेंगी। हमने इसमें जीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, जैसे कि आपको दिखाया है। मैंने इसमें चीज़ें ऐड कर दी है और अब हम इसको जो है ना ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक के लिए कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। मैंने आपको बताया था हमारी चिकन हो चुकी थी और अब हम जो है ना उसको मैंने देखे अलग से उसके रेशे बना लिए, उसको मैंने थोड़ा पीसा है जो वो दोरी का डंडा नहीं होता उसके साथ। और ये आलू है जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग छील रहे हैं, इनको भी मैंने मैश कर लिया और अभी हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे चिकन को, और आपको दिखाते रहेंगे, साथ साथ बने रहिएगा हमारे। अभी हमने चिकन और आलू को इसमें डाल लिया है। जैस्मिन अभी डालो, इसमें क्या डालोगे? इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया और हरा पुदीना, जो हमने मोटा मोटा सा कूट के रख लिया था, पीस के रखा हुआ है हमने मोटा मोटा। और उसके बाद नमक डालो, थोड़ा सा नमक डालो और रेड चिली डालो। और रेड चिली हम थोड़ी सी ही डालेंगे क्योंकि हम अपने फ्लेवर के हिसाब से डालेंगे, जितनी मिर्ची है कम। तो नमक कहाँ हमारा भी, हम इसमें बहुत कम रेड चिली डालेंगे क्योंकि हमारे घर मिर्ची थोड़ी कम खाई जाती है। और आप अपनी मर्जी से हस्बे जायका डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। हाँ, कुटी हुई भी मिर्ची आप लोग डाल सकते हैं। मैंने जो थी ना इसके अंदर आपको दिखाई थी कि मैंने डाली है, मैंने उनको अंदर चिकन के पीस लिए। थोड़ा कर, थोड़ा कर, अब पाए चिकन और कर, थोड़ा चेक कर लो, बस
चलो हसबे जायका हम इसमें नमक डालेंगे। और हसबे जायका नमक हमने थोड़ा सा इसलिए डाला क्योंकि मैंने चिकन में भी डाला था। और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मैट कर लेंगे इसको। और हमने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाला, आपने देखा है कि थोड़ा हमने चिकन में मसाला डाला था और थोड़ा ही हमने इसमें डाला है। और इसके बाद हम इसमें एक अंडा भी डाल लेंगे। हमारा मिक्सचर हो चुका है तैयार, तो अब हम इसके कबाब बनाने शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ऑयल में हाथ पे लगाऊंगी ताकि मेरे हाथ के साथ चिपके नहीं ये। और मैंने जो है ना ऑयल थोड़ा सा नीचे भी लगाया ट्रे के ताकि कबाब चिपके नहीं। तो अब जो है ना मैं इसको कबाब बनाने शुरू कर रही हूँ। और शेप आप जो भी आपका दिल हो आप रख सकते हो, चाहे लंबी चौड़ी जैसी भी आपने रखनी हो। और हम लोग रखेंगे गोल। और मैं बहुत बड़े कबाब नहीं बनाऊंगी, छोटे बनाऊंगी बच्चों के हिसाब से अपने। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए हमारे कबाब हो चुके हैं सारे तैयार, जैसे कि मैंने और जैस्मिन ने मिलकर बनाए हैं। और जैस्मिन ने ये छोटा सा बना दिया देखें, और अच्छा लग रहा है कितना। तो ये हमने तेल गरम रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा तेल नहीं मैंने डाला क्योंकि हम डीप इनको फ्राई नहीं करेंगे। बहुत कम तेल डाले मैंने और कम आँच भी कम है। तो हम तलना शुरू करते हैं कबाबों को। और मैं रखूँगी इनको, और मैंने आँच इसलिए कम रखी है कि हमारे कबाब हल्के ब्राउन हों ताकि जले नहीं। तो हम एक साथ ही रख लेंगे ताकि नहीं आ जाएंगे, बड़ा फासला होगा ना, आ जाएंगे आराम से। तो अभी बस हमारे कबाब हो रहे हैं। और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, वो ये है कि एक चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला पिसा हुआ, जिससे फ्लेवर थोड़ा और मज़ीद अच्छा आ जाएगा और बच्चे शौक से भी खाएंगे। और ये देखिए हमारे कबाब अच्छे लग रहे हैं देखने में और कितना अच्छा लुक आ रहा है इनका, खुशबू आ रही है मुझे आ रही है। तो फ्लेवर भी अच्छा है, मैंने चेक भी किया थोड़ा। तो जैस्मिन आपको कबाब बनाते हुए आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज कबाब बनाते। और वैसे भी इसको कुकिंग करने का शौक है, अभी भी कह रही मम्मा मैं अकेले बनाऊं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं। तो अभी बस हमने इनको हल्की आंच पे इसलिए रखा है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो अभी हम इनको करते हैं अच्छे और इनकी साइड को चेंज करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ये जले या ब्राउन ना हो जाए बहुत ज़्यादा। ये देखें कितना अच्छा लुक आया है, बहुत हल्के हल्के ही। और मेरे अंडा डालने से ये देखें टूट नहीं रहे हैं और बहुत अच्छे कबाब बन रहे हैं। इसके अंदर ही आपने मैश कर जी, मैंने इसके अंदर ही मैश किया, अंडा भी डाला और गर्म मसाला भी, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी, आप लोगों को दिखाना है और डालना भी है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। हमने आज इनकी इसलिए कम रखी हुई कि ताकि ऐसा लुक आए हल्का ब्राउन। तो फिर जैस्मिन आज बड़ा मजा आने वाला है। हाँ अभी खाना खाएंगे तो मजा ही आएगा। अच्छा ये देखें दो दफा आ चुकी है, मम्मा बन गए। मैंने कहा नहीं अभी बन गए। ऐशे ने तो ये देखो, ऐशे हाय तो कर दो बेटा। फाइनली हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, ये देखें। और बहुत अच्छी हमने डेकोरेट भी इसको किया जैस्मिन ने तो सही कह रही हूँ। और हमने साथ में इसके बनाया है रायता। वैसे आप लोग ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं इसके साथ कोई भी। और नहीं, हमने ग्रीन देखें वो हल्का पुदीना डाला है इसके अंदर। नहीं मेरा मतलब है कि हमने रायते वाली चटनी बनाई है ना। हाँ। तो आप लोग खाली ग्रीन भी बना सकते हैं, रेड भी बना सकते हैं, चिली वाली भी बना सकते हैं। आप जो है ना केचप से भी इसको खा सकते हैं, ये कबाब किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लुक आया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उधर मुकर के करो अल्लाह हाफिज़।